और सीधे आपको इस वक्त पोर्ट ब्लेयर ले चलते हैं, जहां पर राष्ट्रपति यहां पहुंची हुई हैं, वहां पर एक कार्यक्रम में वो शामिल है। यात्रा सुदूर गांव में रहने वाले वे उन्होंने जीवन देखी है, नई तरीके से नारियल को कैसे उनको उगाया जाए और बागान को विकसित किया जाए, उन्होंने उनको अच्छी तरह मालूम है। उनके असाधारण योगदान की चर्चा हर जगह पहुंची और उन्हें वर्ष 2024 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। उनको मैं पहले से ही बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उन्हें इस सम्मान के लिए चुना जाना इस द्वीप समूह की हर बहन बेटी, पूरे भारत के गांव-गांव में रहने वाली महिलाओं, खासकर खेती किसानों में परिचित करने वाली महिलाओं के लिए गर्व और प्रेरणा की बात है और एक प्रेरणा की स्रोत है, उनसे सभी प्रेरणा ले सकते हैं। यहाँ की एक और बहन शांति तेरेसा लाकड़ा जी, जिन्होंने उनके मानवता की, विशेषकर जनजातीय समुदाय के लोगों की सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया और वर्ष 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित की गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और यहाँ के जनजीवन को नाटक तथा सिनेमा के माध्यम से कलात्मक अभिव्यक्ति देने वाले श्री नरेश चंद्र लाल जी को वर्ष 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इतनी कम जनसंख्या वाला ये द्वीप समूह प्रतिभाओं और आदर्शों से परिपूर्ण, देवियों और स्वजनों, ये द्वीप समूह सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ ट्राई सर्विस थिएटरी कमांड की स्थापना की गई है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व के एशिया के देशों से भारत को जोड़ने में इन द्वीप समूहों का विशेष भौगोलिक महत्व है। इसलिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत की आर्क ईस्ट पॉलिसी का एक मुख्य घटक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस द्वीप समूह की अर्थव्यवस्था मुख्यतः मत्स्य पालन, पर्यटन एवं कृषि पर आधारित है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पूरे विश्व को आकर्षित करती है। मुझे बताया गया है कि इस द्वीप समूह में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाया जा रहा है। वीर सावरकर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भी बनाया गया है। डिजिटल और फिजिकल कनेक्टिविटी में प्रभावशाली विकास के कारण वर्ष 2014 से 2022 के बीच यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या लगभग द्विगुनी हो गई है। पर्यटन के निरंतर विकास से यहां रोजगार बढ़ेगा और युवाओं को विकास के नए अवसर मिलेंगे। देवियों और स्वजनों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के चारों ओर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भारत के समस्त ईईजेड का लगभग 30% है। इस द्वीप को की ब्लू इकोनॉमी का भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मुझे बताया गया है कि इस द्वीप समूह से पिछले एवं अन्य मेराइन प्रोडक्ट्स के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई कार्य प्रगति पर है। इस द्वीप समूह के स्वच्छ पर्यावरण और इकोलॉजी का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। विकास कार्य और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। देवियों स्वजनों, देशवासियों ने ये संकल्प लिया है कि वर्ष 2047 में जब हमारी आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा। देश की इस विकास यात्रा में इस द्वीप समूह की निवासियों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं एक बार फिर इस आयोजन के लिए अंडमान और निकोबार प्रशासन तथा यहाँ के निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपके प्रेरणादायी एवं तो आप राष्ट्रपति को सुन रहे थे।